मुझे विश्वास है कृष्ण यही कहीं होगा और मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहा होगा। कृष्ण, ये कैसे संभव हो सकता है? मैं बांसुरी बजाऊं फिर भी कृष्ण आए? अवश्य ही मुझे सताने के लिए कोई नया प्रयास कर रहा है। कोई बात नहीं, अभी आ जाए। करना राधे, मैं तुम्हें इस प्रकार व्याकुल और विचलित कर रहा हूँ, किंतु ये आवश्यक है। आवश्यक है ये जानने के लिए कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा। बस बहुत हुआ कृष्ण, अब एक क्षण और तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करूंगी। बहुत आहत हुई हूँ। तो अब आ रहे हो तुम कृष्ण? तुम्हें बुलाने के लिए मैंने ये बांसुरी भी बजाई, फिर भी तुमने कोई उत्तर नहीं दिया। कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ, भूखी प्यासी इस कड़ी धूप में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ, और तुम तब भी नहीं आए। किंतु आज तुमने अपना वचन तोड़ दिया कृष्ण। बहुत पीड़ा पहुंचाई है तुमने मुझे, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। यदि वचन निभा नहीं सकते थे ना, तो वचन देना नहीं चाहिए था। खाना, अब ये राधा को हो क्या रहा है? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। किंतु मैं सब कुछ समझ चुका हूं। ये संकेत है प्रेम और प्रेमियों के मध्य की सबसे बड़ी बाधा का सबसे बड़ा विकार, ईर्ष्या। ईर्ष्या, ईर्ष्या क्या? ईर्ष्या पर किससे? सबसे दा, सबसे। राधा को प्रेम तो समझ में आ गया है, किंतु प्रेम में समझ आना अभी शेष। व्यक्ति को जब अपने प्रेम को खो देने का भय होता है, तो वो अपने प्रेम को इतने कस के पकड़ कर रखता है कि प्रेम को ही पीड़ा होने लगती है। प्रेम पा तो लेता है, किंतु उसे कैसे सहेजना है ये जब उसे नहीं समझ आता, तब वो उस प्रेम पर स्वामित्व पाने का प्रयास करता है, और यही जन्म लेती है असुरक्षा की ये भावना, ईर्ष्या। बचाओ, रक्षा करो मेरे।
चिंता मत करो, अब तुम सुरक्षित हो। ये सब कैसे हुआ? एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी है। वो तो अंतिम समय में कान्हा ने आकर इनकी प्राणों की रक्षा कर ली, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने अपना कर्तव्य कर दिया। बहन मेरी है, हम सब मिलकर संभाल लेंगे, तुम जाओ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, हम कैसे जाएं ऐसे? हाँ, जब तक चंद्रावली पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो जाती हम कहीं नहीं जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। अब ये संकट से बाहर हैं। वाह वाह वाह, देखो चंद्रावली ठीक हो गई। नारायण की कृपा है जो इतनी शीघ्र ठीक हो गई। वाह वाह, ये तो बहुत ही शुभ समाचार। काका, काकी, क्या हुआ चंद्रावली को, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मेरी कला। साधारण सा खिंचाव तो आया है ना, ये तो मेरे लिए साधारण सी बात है। वैसे बड़े बड़े उपचार यूं चुटकी बजाते ही ठीक कर देता। राधा, राधा को तो पता ही है मैं इस कला में कितना निपुण हूँ। इस प्रकार का खिंचाव तुम्हें भली भांति जानता, बहुत ही साधारण। आप सज्जे हैं? तीन, दो, एक। अद्भुत, पीड़ा बिल्कुल चली गई। मैं चंद्रा, तुम्हें कुछ स्मरण नहीं? इसी ने तो तुम्हारे प्राण बचाए हैं। हाँ, धन्यवाद। मेरा नाम चंद्रावली है। जी जानता, और मैं कृष्ण। मेरी सखा मुझे प्रेम से कान्हा बुलाते हैं। ओ, तो तुम कृष्ण हो? आप कैसे जानती हैं मेरे बारे में? हाँ, वो मैंने तुम्हारा नाम पहले भी सुना है। अच्छा। यदि आप मेरे बारे में जानती हैं तो आप इनके बारे में भी जानती ही होंगी। ये है मेरी बलराम दाव। प्रणाम दाव। आयुष्मान भाव। राधा, कैसी है? पूरे एक वर्ष बाद मिल रहे हैं। पर चंद्रावली, तुम अचानक यहाँ कैसे? अरे राधा, तुम भूल गई कि हर वर्ष बसंत पंचमी और होली के बीच का समय मैं बरसाना में ही तो व्यतीत करती हूँ। और मुझे विश्वास है कि इस साल भी होली हर साल की तरह खूब धूमधाम से मनाई जाएगी। हाँ,
और देखो इस साल सबसे पहले किससे मिली, इससे मिलने की आशा ही नहीं थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद क्रिश, आज यदि तुम नहीं होते तो कदाचित मैं जीवित नहीं होती, तुमने मुझे बचा लिया। नहीं नहीं वो तो ऐसे ही होता रहता है चंद्रावली जी। मेरे विचार से इस समय तुम्हारा यहाँ से निकल जाना ही श्रेष्ठ होगा कान्हा, कहीं ऐसा ना हो कि राधा अपनी दृष्टि से ही तुम्हें भस्म कर दे। दाव, मुझे अब लगता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। हाँ चलिए हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे कान्हा, भोजन का समय हो गया है, भोजन करे बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। नहीं नहीं माँ, यशोदा काकी ने घर पे भोजन बना रखा होगा और इसकी प्रतीक्षा में भूखी रहेंगी वो। कृष्ण बहुत व्यस्त रहता है, वैसे भी बहुत काम है इसे। हाँ वैसे काम तो है, मुझे वन में किसी से मिलने जाना था किंतु उसमें भी विलंब हो चुका है, तो वो भी काम अब नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या, रुक जाइए ना, हम साथ में भोजन कर लेंगे और मैं तुम्हारा ठीक से धन्यवाद भी कर सकूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, अवश्य चंद्रावली जी। आओ चंद्रा, मैं तुम्हें तुम्हारा कक्ष दिखा देती हूँ। वो ऊपर वाला, वही ना जहाँ से उपवन दिखता है। हाँ कान्हा। अरे मैं जानता हूँ वो कक्ष कहाँ है। चंद्रावली जी मैं ही आपको वो कक्ष दिखा देता हूँ, चलिए आप कष्ट मत कीजिए, मैं हूँ ना। तुम्हें कैसे पता? वो मैं इस घर के कोने कोने से परिचित हूँ चंद्रावली जी। अब आइए भी आपको आपका कक्ष दिखाता हूँ। रुकिए, आपको पीड़ा हो रही होगी ना। काकी, कदाचित भोजन बनाने में आपको राधा की सहायता की आवश्यकता होगी, क्यों? बनाइए बनाइए, भोजन बनाइए, मैं चंद्रावली जी को उनका कक्ष दिखा के आता हूं। अरे रुकिए, देखिए राधा कृष्ण सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे स्टार भारत पर।